हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये तुम देख रहे हैं, ये टाटा एस 2016 मॉडल दोस्तों, HT। ये दोस्तों गेट च प्रॉब्लम आ गई है, यदा गैस कट लीक हो गया वा, ये गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है। हम सुबह का टाइम गाड़ी सवेरे आके स्टार्ट की, फॉग पई हुई है, धुंध पई हुई है, तो मैं ढक्कन खोलिया हुआ वा, 9:30 का टाइम आ सवेर का, रेडिएटर का ढक्कन खोलिया हुआ, तो गाड़ी पानी बाहर कट रही है, गाड़ी बिल्कुल ठंडी है, ताजी स्टार्ट की है, तो गाड़ी पिकअप भी नहीं ले रही, लोड भी नहीं चक रही, गाड़ी धुआं मार रही है, ब्लैक स्मोक वाइट स्मोक, तो धुंध होनी हूँ रेडिएटर में पानी पा के। दोस्तों ये दो बारी गैस कटे का पै चुका वा, पहला किसी होर मकैनिक को गैस कट पाया, उदो भी गाड़ी गर्म हो रही, बाद होर तो पाया तो उतो भी गाड़ी गर्म होनी हटी। ठीक है दोस्तों, हमने मेरे को आई है, धुंध होने हूँ, ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करा, छोटी जी मेरी वीडियो है, एक इन्ना जो प्रैशर बना रही है गैस कट, तो इस सिर्फ इस से बनाई हुई है, बाकी इंजन ओवरऑल तो वीडियो देख सकते हैं। देखो दोस्तों कि बल्बले बाहर निकल रहे हैं, पानी बाहर निकल रहा वा, गड्डी बिल्कुल ठंडी है, पानी बिल्कुल ठंडा वा, देखो कि ज़्यादा पानी बाहर कट रही है, गड्डी बिल्कुल ठंडी है, पानी भी बिल्कुल ठंडा वा, सवेर का टाइम है, मॉर्निंग आके स्टार्ट की है गड्डी, देखना पानी कि बाहर कट रही है, देखो कि ज़्यादा प्रेशर बना रही है, गड्डी हाले बिल्कुल ठंडी है, जो गर्म हो कि ज़्यादा प्रेशर बनाऊगी, तुम आप ही अंदाजा ला सकते हो, तो गड्डी 1 किलोमीटर चलती है, गड्डी ओवर हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो कस्टमर हम मेरे को लेके आया वा, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, तो तुम अगे जाके प्रॉब्लम भी दसूँगा की प्रॉब्लम से, ये की मकैनिक ने एक गलती कर दी सी, तो शायद मेरे हिसाब ना तो उ गलती करके गैस कट लीक हो गया वा दोबारा, तो देखो कि पानी बाहर कट रही है, फिर देखना कि प्रेशर बनाऊगी, सवेर का टाइम 9:30 का, देखना दोस्तों पानी कितना ऊपर जाके मार दिया, प्रेशर कितना बनना, देखो कितना ज़्यादा प्रेशर इस बनया वा, गड्डी गर्म हो तो मन सकते भाई इन्ना प्रेशर बने, तो गड्डी बिल्कुल ठंडी है। ये दोस्तों टाटा एस HT मॉडल 2016 मॉडल, तो टैंपरेचर बिल्कुल थले आ, गड्डी का इंजन भी बहुत हिल रहा, मिसिंग जहा कर रहा वा, गड्डी की आवाज़ भी नहीं बिल्कुल ठीक है, स्टार्टिंग यदि बिल्कुल ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग कोई खास प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट ओके होंगे वा इंजन, बट वाइट स्मोक तो ब्लैक स्मोक जहाँ मारता, जो गड्डी ड्राइव करते हैं गड्डी लोड भी नहीं चकती पई, तो जल्दी गर्म हो जाती है। यदा पटते हैं हूँ आप हैड, यदा हैड पटांगे, यदा देखा खोल के की प्रॉब्लम है, हैड के कोई प्रॉब्लम है, जी प्रॉब्लम है, गैस कट प्रॉब्लम है, बाकी तुसी दोस्तों मेरी फुल वीडियो देख सकते हैं इंजन ओवरहाल दे टाटा इसते, ते मेगा दे इंजन दी वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा थले डिस्क्रिप्शन बॉक्स च, तो उपर आइकॉन बटन च, तुसी जरूर देखना वो वीडियो, देखना कितना प्रेशर बनता दोस्तों, और देखो कितना ज़्यादा प्रेशर बना रही है, चीज़ ना समझना गड्डी गर्म है, गड्डी बिल्कुल ठंडी है, इस करके मेरा हाथ विच पाया होया जे। हाँ जी दोस्तों, यदा हैड गैस कट हैड आप पट लिया वा, तो दिखाने दे की प्रॉब्लम, मकैनिक ने की गलती की है, पहले तुम देखो फेस यदा, देखो दोस्तों 1 नंबर स्लीव तो सारा फेस का काला हो पाया, तो ये नाल लग लग देखो येलो पन की तुम्हें दिख रही होनी है परत, वो दोस्तों सारा फेविटाइट रैपड़ लगी हुई है, ये येलो पन की रैपड़ भी लगी हुई है, वो मकैनिक ने हैड गैस कट के रैपड़ ला के फिट किया होना, तो जल्दी जल्दी हल्दी हैड के बोल्ट ने कसाई नहीं की होनी, टाइट नहीं की होनी, तो रैपड़ गई सुख दोस्तों, तो हैड पूरा बैठा नहीं, तो उतों गैस कट लीक होने लग गया वा, आ तुम देख ही रही है येलोपन दिस रहा उपर फेस से, मकैनिक ने गलती करती रैपड़ लगी सी, असी फेस तो रैपड़ काफ़ी लाई भी आ, तो हैड तो भी रैपड़ लाई आ, जुड़ी रैपड़ की परत बनी हुई सी, तो मकैनिक ने आ चीज़ होंगी दोस्तों फोटो में देख सकते हो, मकैनिक ने हैड गैस कट यूज़ की है, यूज़ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जल्दी सुक जाती है, 5-6 मिनट के सुक जाती दोस्तों, तो इस करके इन्नी जल्दी बो हैड के बोल्ट भी नहीं टाइट होंगे, तो ये गलती की है, तो असी हैड गैस कट दोस्तों पा के रेडी करती, गड्डी बिल्कुल ओके सी, फिर यह हैड का फेस लवाया, गड्डी बिल्कुल ओके हो गया, मैं उसकी वीडियो तो नहीं बना सकता, तुम आप बाकी मेरे इंजन ओवरहाल की वीडियो देख सकते हैं, टाटा एस मेगा का, टाटा एस HT का, बाकी आ होर भी तुम मेरिया वीडियो देख सकते इंजन ओवरहाल से, i20 वगैरह स्विफ्ट का
ठीक है दोस्तों, ये मेरी छोटी जी वीडियो सी, एक सिर्फ ये जो रेडिएटर इन्ना प्रेशर बन रहा है वो दिखाने लिए एक मेरी वीडियो सी। बाकी जो वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना और बाकी वीडियो भी जरूर देखना, उसका मैं लिंक थले दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स च। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर कोई नवी नेक्स्ट वीडियो च, तब तक प्लीज़ सत श्री अकाल, नमस्ते।